Hello and welcome to Learn Chemistry Easily channel. Today we are going to discuss about how to memorize atomic numbers. Okay, तो हम किस तरह से easily atomic numbers को calculate कर सकते हैं या memorize कर सकते हैं, आइए देखते हैं. सबसे पहले हमने ये जो chart है ये लिया और इसमें आप देख सकते हैं कि जो S block के elements होते हैं इनको हमने किस तरह से memorize किया था. मेरा एक video है जिसमें हमने इसको memorize करने की techniques देखी थी, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को कैसे मेमोराइज करते हैं. सो हेली ना की रब से फरियाद. ओके, हेली ना की रब से फरियाद. तो हम ये जो फर्स्ट रो है हमारी, ओके, फर्स्ट ग्रुप है जो, उसे हम देखते हैं सबसे पहले. हेली ना की रब से फरियाद. ओके, अब हमें इसको, अगर हमें इसमें जो एटॉमिक नंबर्स हैं उन्हें बताना है तो हमें क्या फार्मूला याद रखना है. 2 8 8 18 18 32. ओके, तो हम उसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं 2 8 8 18 18 32. ओके, जैसा कि हम सभी जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1. ओके, सो 1 में जैसे ही हम ये 2 ऐड करेंगे, 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा. ओके, जब इस 3 में हम 8 प्लस करेंगे तो किसका क्या नंबर आ जाएगा, 11, जो कि सोडियम का है. ओके, 11 प्लस 8 जब करेंगे कितना हो जाएगा, 19. ये पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है. 19 प्लस 18 रुबिडियम, रुबिडियम का क्या आ जाएगा, 37. ओके, 37 प्लस 18 क्या आ जाएगा, 55. ओके, सीजियम का एटॉमिक नंबर 55 प्लस 32 इज इक्वल टू 87. तो ये सारे हो गए, फ्रेंशियम का नंबर आ गया एटॉमिक नंबर. ओके, तो हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर हमें मालूम है और हम 2 8 8 18 18 और 32 इस फार्मूले से इस पूरी रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर्स को हम बता सकते हैं. ओके, इस तरह की कैलकुलेशन करके. इसी तरह से अब हम दूसरा रो हमारी जो है वो देखते हैं. ओके, दूसरी रो हमारी क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. ये हमने याद करने की टेक्निक लगाई थी, जो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी है. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम. ओके, बेरिलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, हमें मालूम है 4 है. इसके लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर के लिए हम करते हैं 8 8 18 18 एंड 32. ओके, तो हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं 8 8 18 18 एंड 32. ओके, तो चलिए अब हम इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं इनकी. 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12. 12 आया, उसको यहाँ लिया, 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20. ओके, 20 प्लस 18 इज इक्वल टू 38. 38 प्लस 18 इज इक्वल टू 56. 56 प्लस 32 इज इक्वल टू 88. ओके, तो इस तरह से हमने जो सेकेंड रो है इसमें भी हमने कैलकुलेट कर लिया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम के लिए. बेरिलियम का हमें 4 जो एटॉमिक नंबर है मालूम था और उसमें जब हमने ये फार्मूला 8 8 18 18 और 32, जैसे ही हमें ये ऐड करना स्टार्ट करेंगे, 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12 मैग्नीशियम का आ जाएगा एटॉमिक नंबर, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है वो आ गया हमारा कैलकुलेशन में, देन स्ट्रॉन्शियम का 20 प्लस 18 इज इक्वल टू 38 होता है, बेरियम का 56 एटॉमिक नंबर होता है और रेडियम का 88 एटॉमिक नंबर होता है. ओके, इसी तरीके से हम अपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स तो हमारे कंप्लीट हो गए, अब हम
डी ब्लॉक एलिमेंट्स देख सकते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्कैंडियम, यट्रियम और जो दो ग्रुप होते हैं इसे क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप होते हैं। ओके, तो ये जो दो हैं इनमें कितने कवर कर लेते हैं हम, 57 से 71 तक का एटॉमिक नंबर आता है एक्टिनाइड लेंथेनाइड में, और एक्टिनाइड में 89 से 103 एटॉमिक नंबर्स तक कवर हो जाते हैं। ओके, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये, ठीक है। स्कैंडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 21 होता है, और इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, 18 18 32। ओके, तो हम 18 जोड़ेंगे, 18 और 32, ठीक है। स्कैंडियम का जैसा कि हमें पता है 21 होता है एटॉमिक नंबर, फिर 21 प्लस 18 कितना होगा, 39। ओके, फिर 39 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 57। ये जो 57 हम बता रहे हैं, यहाँ की यहाँ से लेकर यहाँ तक के नंबर्स, इसमें लेंथेनाइड बोलते हैं हम इसको, फिर एक्टिनाइड। 57 प्लस 32 हमने ऐड करा, कितना हो जाएगा, 89। ओके, ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू हमको बता रहा है 57 और 89, क्योंकि स्कैंडियम यट्रियम तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो होते हैं, और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये दोनों। ओके, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में 57 से 71 तक का एक जो रो होती है वो, और 89 से 103 एलिमेंट्स, इतने एलिमेंट्स की जो रो होती है वो दोनों भी आ गए इसमें। तो हम इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, 18 18 32। ओके, स्कैंडियम 21 था, 21 में 18 जोड़ा तो 39 आया, 39 का एक है यट्रियम का। ओके, फिर लेंथेनाइड जो होंगे उनमें जब हमने 18 प्लस करा तो 57 आया, और फिर 57 में जब 32 प्लस करा तो 89 आया एक्टिनाइड का। ओके, तो इस तरह से हमें स्कैंडियम वाला जो रो है इसका भी हमें एटॉमिक नंबर्स का फार्मूला मिल गया। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम। ओके, सेकंड वाला भी देख लेते हैं इसी में हम, वेनेडियम, NbTa एंड Db। ओके, इनमें जितने भी होते हैं ये समझ लीजिए आप, जितने भी एलिमेंट्स हैं, लास्ट का हम ले लेते हैं जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड ओके, ये सारे हमने ले लिए। इनमें क्या फार्मूला यूज़ करते हैं हम, इन सभी के लिए फार्मूला यूज़ होता है 18 32 32। ओके, टाइटेनियम का हमें मालूम होता है 22 है इसका। ओके, एटॉमिक नंबर इसका 22 है, 22 में 18 प्लस करेंगे, फिर इसमें 32 एंड 32। ओके, तो 22 में जैसे ही हम 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 40। ओके, 40 में 32 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72। 72 में 32 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 104। ओके, 18 32 और 32, यही वाला फार्मूला हम यूज़ करते करते सबके एटॉमिक नंबर्स आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे वेनेडियम का क्या होता है, 23 होता है, 23 में 18 प्लस करा कितना आया, 41। 41 में 32 प्लस करा कितना आएगा, 73। 73 में 32 प्लस करा, 105। ओके, इसी तरह से हम अगर लास्ट वाला देख लें जिंक, तो जिंक का कितना होता है, 30 होता है नंबर, जिंक 30 होता है, तो 30 प्लस 18 कितना हो गया, 48। ओके, 48 प्लस 32 80 प्लस 32
112. ओके, तो ये जितना भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हुए, टाइटेनियम से लेके लास्ट के जिंक तक, इनके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? 18, 32, 32 ऐड करते जाएंगे. ओके, ऊपर से नीचे तक ये रोज़ की तरह हम इन्हें क्या करते जाएंगे. जैसे जिंक का हमें 30 जो मालूम है, इसमें 18 प्लस करा तो कैडमियम आ गया, विच इज़ 48. ओके, और जैसे ही हमने इसमें 32 ऐड करा, कितना आ गया? 80. 32 ऐड करा, कितना आ गया? 112. तो क्या हमने करा? 30 हमें मालूम था, उसमें 18, 32 और 32 को ऐड करा हमने, जैसे ही 48, 80 और 112 आ गया. इस तरह से जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसके लिए हम 18, 32, 32 का फार्मूला यूज़ करते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, पी ब्लॉक में कौन सा आता है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम. ओके, ये सारे आते हैं इसमें. तो इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? इसमें हम यूज़ करते हैं 8, 18, 18, 32 and 32. 8, 18, 18, 32 and 32. ओके, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं इसमें. बोरॉन का कितना होता है? 5. ओके, 5 plus 8, 13. एल्यूमिनियम का आ गया 13 plus 18, 31. गैलियम का आ गया एटॉमिक नंबर 31 plus 18, 49. ओके, 49 plus 32, 81. ओके, एंड 81 plus 32 इज इक्वल टू 113. ओके, तो इस तरह से हमारे जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम एंड ये जो लास्ट वाला है सारे, इनके हमने जैसे ही ये फार्मूला यूज़ करा हमारा 8, 18, 18, 32 and 32. ओके, इन्हें ऐड करा तो हमने सारे एटॉमिक नंबर निकाल लिए. जैसे हम इसको याद रखने के लिए क्या टेक्निक लगाते हैं? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला. ओके, तो हमने इनको लिख लिया. 5 हमें बोरॉन का मालूम था, जैसे ही 8 ऐड करा 13 हो गया एल्यूमिनियम का, जैसे इसमें 18 ऐड करा तो 31 हो गया गैलियम, इसमें 18 ऐड करा तो 49 बन गया इंडियम का, इसमें 32 ऐड करा तो 81 आ गया थेलियम का, और लास्ट वाला जैसे 32 ऐड करा 113 एटॉमिक नंबर आ गया सबसे लास्ट का. ओके, तो जैसे इसमें जो भी है, अगर हम नेक्स्ट ग्रुप भी देख लें, अगर हम इसमें नेक्स्ट भी देख लें, जो हमारा ये है कार्बन वाला ग्रुप होता है. ओके, अगर हम इसको भी देख लें, यहाँ पर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और लास्ट का फ्लोरीन, ये सभी के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? 8, 18, 18, 32 and 32. ओके, तो जैसे अगर हमारा कार्बन है 6. ओके, तो 6 में हम क्या करेंगे? 8 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा सिलिकॉन का, फिर हम उसमें 18 प्लस करेंगे तो 32 हो जाएगा, फिर उसमें हम 32 प्लस करेंगे. ओके, इस तरह से हमारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये सारे के एटॉमिक नंबर्स आते जाएंगे. ओके, 8, 8, सबसे पहले कार्बन का है 6, उसके बाद में 8 प्लस करा यहाँ पर, फिर 18, फिर 18, फिर 32 and 32. इस तरह से हमारे जो भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका पूरा एटॉमिक नंबर्स हमारे पास 8, 18, 18, 32, 32 के फार्मूला से आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं सबसे लास्ट, जो कि इनर्ट गैसेस होती हैं. इनर्ट गैसेस होती हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन. ओके, तो इसमें हीलियम का हमारा कितना होता है? 2 होता है. ओके, और इसमें हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं? हमारा फार्मूला यूज़ होता है
एट एट एटीन एटीन थर्टी टू थर्टी टू, ओके एट एट एटीन एटीन थर्टी टू एंड थर्टी टू, ओके। तो हम जैसे ही इसमें एट एट एटीन एटीन थर्टी टू एंड थर्टी टू इस तरह से हम लिख लेंगे, ओके। तो एट प्लस टू कितना हो गया, टेन, टेन प्लस एट एटीन हो गया, इसका आ गया, ओके। एटीन प्लस एटीन थर्टी सिक्स, ओके। थर्टी सिक्स प्लस एटीन फिफ्टी फोर, फिफ्टी फोर प्लस थर्टी टू कितना आ जाएगा, एट्टी सिक्स, एट्टी सिक्स प्लस थर्टी टू वन हंड्रेड एंड एटीन, ओके। तो इस तरह से हमारा जो ये सबसे लास्ट इनर गैसेस वाला होता है जो कॉलम, उसमें हम एट एट एटीन एटीन थर्टी टू और थर्टी टू इस तरह से ऐड करके हम पूरा जो हमारी इनर्ट गैसेस होती हैं इनका एटॉमिक नंबर निकाल लेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेनॉन, लास्ट वन जो है, ठीक है। टू होता है हीलियम का, एट करा एट तो कितना हो गया टेन, नियॉन का, आर्गन का एटीन, क्रिप्टॉन का थर्टी सिक्स, ज़ीनॉन का फिफ्टी फोर, एट्टी सिक्स एंड वन हंड्रेड एटीन, ओके। तो इस तरह से हमने जो लास्ट हमारा था इसको भी इस फार्मूले से जो हमने है पूरे एटॉमिक नंबर्स हमने कैलकुलेट कर लिए, ओके। तो एटॉमिक नंबर्स को हमें याद नहीं रखना होता है, केवल हमें जो छोटी सी ट्रिक्स हैं, कुछ पी ब्लॉक के लिए जो अलग ट्रिक लगती है, इनर्ट गैसेस के लिए अलग लगती है, इस ब्लॉक के फर्स्ट कॉलम के लिए अलग ट्रिक लगती है, उनको पाँच छः ट्रिक्स को हम अगर मेमोराइज कर लें तो पूरे एटॉमिक नंबर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।